नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कैबिनेट की बैठक में आज नोटबंदी की होगी समीक्षा। कैश में सैलरी पर लग सकती है रोक। वेतन सीधा खाते में डालने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली आज। मेहसाणा में जनसभा को करेंगे संबोधित। नोटबंदी पर सरकार को घेरेंगे राहुल। दसवीं बोर्ड की परीक्षा दोबारा शुरू करने की तैयारी में CBSE। संचालन समिति ने अगले शिक्षा सत्र से बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने पर जताई सहमति। नए फॉर्मूले के तहत 80% अंक इम्तिहान के होंगे और 20% स्कूल में हुई परीक्षा के। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, RSS नहीं है रिमोट कंट्रोल। हमारा लक्ष्य एक मजबूत राष्ट्र का है निर्माण करना, जिसके मूल में होना चाहिए हिंदुत्व। मेक्सिको के पटाखा बाजार में धमाके के बाद आग से हाहाकार। 27 लोगों की मौत, करीब 100 लोग जख्मी। आतंकी हाफिज सईद ने फिर दी भारत को धमकी। कहा, हमारे मुजाहिदीन कर देंगे हिंदुस्तान के टुकड़े। और उत्तर भारत में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे के चलते कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से, कई हवाई उड़ानों पर भी असर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।